नमस्कार बच्चों, फाइनली सीबीएसई की तरफ से एक इम्पोर्टेंट सर्कुलर, एक इम्पोर्टेंट अपडेट दिया गया है जो 2 सितंबर 2021 का अपडेट है। ये आपके क्लास 10th और 12th के टर्म 1 के सिंपल क्वेश्चन पेपर हैं उनके रिगार्डिंग है। इस बार सिंपल क्वेश्चन पेपर का वेट थोड़ा ज़्यादा किया जा रहा था क्योंकि सीबीएसई की तरफ से एक न्यू एग्जाम पैटर्न है उसको फॉलो किया जा रहा है। उस न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके टर्म 1 के एग्जाम नवंबर दिसंबर में होने और ये ऑब्जेक्टिव रहेंगे। टर्म 2 के एग्जाम आपके मार्च अप्रैल में होने और वो सब्जेक्टिव रहेंगे। अब इस बार वेट क्यों ज़्यादा किया जा रहा था, क्योंकि टर्म 1 के जो एग्जाम है ऐसे एग्जाम पहले नहीं होते थे, तो कोई भी सिंपल क्वेश्चन पेपर गूगल के ऊपर या फिर यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल नहीं था। हालांकि कुछ ने डाला हुआ था लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं था, ऑफिशियल नहीं था। दूसरा ये कि सिर्फ सिंपल क्वेश्चन पेपर आपकी प्रैक्टिस के लिए नहीं है, बल्कि ये क्या है, ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट आप समझते हो ना, कि आपका ब्लूप्रिंट का मतलब जैसा क्वेश्चन पेपर सीबीएसई की तरफ से अब अपडेट किया गया, आपको दिया गया, वैसा ही क्वेश्चन पेपर आपका रहने वाला है एग्जाम में। यानी इससे हमें मोटे तौर पर आइडिया लग जाएगा कि कितने क्वेश्चंस रहेंगे, इंटरनल चॉइसेस क्या रहेगी, क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या रहेगा, इजी रहेगा, मॉडरेट रहेगा या फिर ये डिफ़िकल्ट रहेगा। साथ ही साथ एक बड़ा कन्फ्यूजन था कि क्या साइंस में, मैथमेटिक्स में या सोशल साइंस में जो डायग्राम है या मैप वर्क है क्या वो भी एग्जाम में रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो आपका ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं इस ब्लू प्रिंट से, इस सिंपल क्वेश्चन पेपर से क्लियर हो जाएगी, ठीक। और आप अपनी प्लानिंग है, आप अपनी प्रिपरेशन है उसी के अकॉर्डिंग कर पाओगे। तो मैं आपको बता दूं कि इनको आप डाउनलोड कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर लिंक दिया गया है, ठीक, ये लिंक दिया गया, दो अलग सेपरेट लिंक दिए गए। इसके लिए आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जा सकते हो, या फिर आपका जो लिंक यहाँ पर क्लास 10th का अलग से वहाँ पर दिया गया, क्लास 12th का यहाँ पर दिया गया, इन लिंक के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हो सिंपल क्वेश्चन पेपर को। ये जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास सारे सब्जेक्ट है वो आपके सामने ओपन होंगे। तो उन सिंपल क्वेश्चन पेपर को आप डाउनलोड कीजिए, उनके सामने ही मार्किंग स्कीम दी गई है, आप उनके सॉल्यूशन को भी देख सकते हो, ठीक। अब ये सिंपल क्वेश्चन पेपर जितने भी दिए गए ये आपके इंग्लिश मीडियम में ही दिए गए, जैसे चाहे वो साइंस के हों, मैथ्स के हों, सोशल साइंस के हों, क्लास 10th के लिए या क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हो, ह्यूमनिटीज या आर्ट्स के हो। तो ये किस में दिए गए, इंग्लिश में ही अवेलेबल हैं। तो आपको विद इन 1 or 2 days ये हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, ठीक। और इन सिंपल क्वेश्चन पेपर को अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज बाय इवनिंग तक आपको सभी क्वेश्चन पेपर है पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम के चैनल के ऊपर दे दिए जाएंगे। टेलीग्राम के चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, या फिर आप ज्योग्राफी ग्रुप एक साथ टाइप कीजिए, सर्च कीजिए टेलीग्राम के ऊपर और उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। दूसरा, ये जो सिंपल क्वेश्चन पेपर है विद इन 2 days हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। डिटेल में मतलब जैसे आपका किसी भी सब्जेक्ट का है तो हम समझेंगे कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन हैं, किस टाइप से आपको इनको सॉल्व करना है। तो सारी चीज़ जो हमारी प्लानिंग रहेगी, हमारी स्ट्रेटजी रहेगी और इस क्वेश्चन पेपर को हम एनालाइज भी करेंगे। मोटे तौर पर अभी तक मैंने 12th के कुछ सब्जेक्ट देखे हैं, 10th के कुछ सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को चेक किया, तो उससे एक आइडिया तो ये लग रहा है कि आपके क्वेश्चन पेपर मॉडरेट है। दूसरी सबसे बड़ी अपडेट ये कि जितने भी क्वेश्चंस दिए गए वो सारे सीबीएसई की तरफ से जो पैटर्न पहले फॉलो किया जाता था, पहले जो एग्जाम में क्वेश्चंस होते थे उसी पैटर्न के वही क्वेश्चंस रिपीट किए गए। दूसरी एक और चीज़ भी इंपॉर्टेंट है कि ये एनसीईआरटी बेस्ड ही रहेगा, कहीं से भी आप अलग से अगर हेल्प बुक ले रहे हो या फिर आपको बताया जा रहा है कि वो बुक लीजिए या ऐसा कीजिए, तो ऐसा कुछ भी करने की नीड नहीं है। अगर आपने अच्छे से कंसेप्ट को समझा है तो आप इजीली अच्छा स्कोर कर पाओगे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कंसेप्ट वाले हैं, क्रैमिंग वाले नहीं है, नॉलेज बेस्ड नहीं है। अगर आपने पूरे चैप्टर को समझा तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। और ये सारे आपके एनसीईआरटी में से दिए गए, तो स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, आप एनसीईआरटी के चैप्टर को ठीक से कीजिए, उसके बाद ऑटोमेटिक आप सारे क्वेश्चन है वो ठीक से सोल्व कर पाओगे। ओके, इसके साथ साथ आपकी तरफ से अगर कोई क्वेश्चन रहता है, कोई डाउट रहता है इन क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम के चैनल है वहाँ पर भी कमेंट कर सकते हो, वहाँ पर आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। और ये क्वेश्चन पेपर पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अभी टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर दिए जाएंगे अभी थोड़ी देर के बाद, और ये जो सर्कुलर है ये भी टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, साथ ही साथ ये लिंक आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी अपडेट कर दिया जाएगा। और इनको वीडियो के थ्रू हम डिस्कस करेंगे 1 या 2 दिनों में, सारे जो आपके सब्जेक्ट हैं इनके क्वेश्चन पेपर हम इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी डिस्कस करने वाले हैं। इस अपडेट में बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।